ओंकार सतगुरु प्रसाद सलोक महला नामा गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकार थकी का खालसा
संत जना मिल पाइया रसना नाम अपना।
ਭਾਈ ਮੱਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਬਸ ਆਇਓ ਆਪ ਦੇ ਸੰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਾਰਗ ਦੀ ਆਖ ਦੇਣੀ ਨਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ Thank you.
सतगुरु गोविंद सिंह के जने
शुभ कर्म के कबूल ना करो। ये शुभ कर्म है कि जिन प्रेम कियो तिन जी प्रभ पायो, मोर प्रेम के रूप में बदली कर देना है। प्रेम का दायरा बहुत विशाल होता है, क्योंकि प्रेम का दायरा जो है वो बहुत विशाल है, खुला है। उसके समुची मानवता जीव जंतु सारी वनस्पति आ जाती है। कुछ वृक्षा नाल प्यार करते हैं, बच्चों नाल प्यार करते हैं। मैनू इतने याद आता है एक बीबी संगत में जाती थी, उन्होंने महापुरश पूछते थे बेटा तुसी किन्ने भैन भाई हो, तो बीबी कहती जी दो भरा ते दो भैन। बाबा जी फिर पूछते ने कहते बेटा किन्ने भैन भाई हो, कहते दो भैन ते दो भाई। वो कहते थे नहीं, फिर दस किन्ने भैन भाई हो, कहते बाबा जी दो बार तो मैं दस चुकी हाँ कि मेरे दो भरा ने दो भैन ने। कहते तेरा संगत में आना अजे सफल नहीं होया, क्यों? यदा मतलब है तेनू अजे सारे जमे तुशी सारे बेटे, ये तेनू अपने भैन भरा नजर नहीं आए, इस करके तू सिर्फ दो जकड़ी हुई है। असी विशाल दायरा करना है जिदे सानू सारे अपने भैन भरा नजर आन। सबे साझी वाल सदायन तू किसे न दिसे बाहरा जियो, क्योंकि सारे विच प्रभु परमेश्वर आप वसदा है। ता करके सतगुरु कहते हैं इस पंजाबू कंट्रोल विच करना है। लास्ट में आया अहंकार, अहंकार मुए से विगत ही गए। जेडे अहंकार विच मरते ने वो विगति होना की गति नहीं होती, ते अहंकार को वीर रस के रूप में बदली कर देना है। वीर रस ताई सतगुरु कहते ना डरो और सो जब जाए, लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो। ऐ प्रभु मैं किसे दुश्मन को ना डरा, काम क्रोध रोग को अहंकार को ना डरा। कई कहते ने इन्हां नूं खत्म कर दिओ, खत्म करन नाल सृष्टि नहीं चलती। इन्हां नूं सतगुरु कहते ने कंट्रोल विच करो, भाव इन्हां दे हुकम विच ना चलो, बल्कि इन्हां नूं अपने हुकम विच चलाओ, अपनी मर्जी दे नाल चलाओ, तां कि ये सानू तंग ना करन। तो मैं शब्द आप जी दे समक्ष रखिया सी, नित उठ गावो प्रभु की बाणी, आठ पैर प्रभु सिमरो प्राणी, चरण कमल गुर के मन उठे जिवे तुहाडे ते एमबीएस दे ये सारे स्टाफ सारे परिवारां ते चरण कमल शब्द रूप चरण उठे प्रसन्न होए ने, वर्षे ने बारिशां, विघन सारे दूर हो गए। चरण कमल गुर के मन उठे, दुख दर्द भ्रम बिरसे झूठे, दुख ते दरिद्र गरीबी सारे नाश हो जाते हैं। घर बाहर प्रभ सभनी आई, संग सहाई जय हो जाई। घर बाहर प्रभु सारे थावां ते सिर ते हथ रखदा है ते रखवाली करता है। प्रभ रखवाले माई बाप, वो माई बाप वांग प्रपालन करता है वो प्रभु, वो कदे भी दूर नहीं होता। दूर ना ही मेरो प्रभु प्यारा, वो मेरा प्रभु प्यारा मेरे नाल है। और सिखूं अपने ही मन को, मैं अपने मन नु शिक्षा देने बदले तेरे गुण गायन करता हाँ। सतगुरु कृपा करो जब भाव की औद निदान बने, अज ही रण में तब जूझ मरो। जो मैदाने जंग विच मैं जूझ रहा हुआ ते मैं सतगुरु पातशाह जी तुहाडी कृपा नाल मेरे श्वास मैदाने जंग विच निकल एवें ना चले जा। तो सतगुरु बख्शिश करे सानू दोवें थाव रखे, गुर सूरे हल्त पल्त पार ब्रह्म सवारे, कार्ज होए सगले पूरे, सतगुरु सारे कार्ज राज करदे। मैं सतगुरु दे चरणां विच अरदास करदा हां, करो अरदास अपने प्रभु पास, अपने प्रभु को तुसां भी अरदास कीती है ते करनी है कि सतगुरु एमबीएस दे सारे स्टाफ नूं, सारे भैन भाइयों नूं, सारे परिवारां नूं सतगुरु पातशाह एकता दे सूत विच परोयो, ते चढ़दी कला ते दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शिश करियो। कदे किसे गल दी कमी ना रहे, जिस कम नूं भी हाथ पाईए वो कम नूं उसी सिरे चढ़ाए। तो जी साहब
मेजर जनरल नरूला साहब जी ते सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह साहब संत होता सतगुरु बख्शिश करे जो ये गाइड करते हैं जो अगवाई देते हैं। ये याद रखिए गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बड़ी कीमती गल कही है उन्हें क्या इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे कोई भी कमांडर कला कुछ नहीं वो अपने जवान दे सकते हैं अपने नीचे वालों दे सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब जब ये कहते इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे तुसी सारे बहुत बहुत हो सतगुरु बख्शिश करे तुहाडा परस पर प्यार इत्तेफाक बनावे अते मिल जुल के तुहाडी सुचजी अगवाई करदिया होया तुसी उन्हां नूं सहयोग दिंदिया सारे कार्जां नूं जद करोगे कार्ज आप कार्ज सतगुरु आप सोआ है सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास में शाबाश देना तुहानूं सारिआं नूं जो तुसी एकता दे सूत विच परो के हर साल इस आराधन करते हैं श्री अखंड पाठ साहिब करवा के अमृत बाणी के जाप करवाते हो तो सतगुरु तुहाडा झोलिया भरनगे वो सारिया दातां बख्शिश करनगे क्योंकि ये अंत उच्चा ताका दरबारा अंत नहीं कि पारा वारा। गुरु गोबिंद सिंह साहिब के बचन सुनिए मैं ज्यादा वक्त ना ले लवान आप दसते हो आनंद आता है जब संगत सुनती है आओ एक बार गुरु साहब जी का अमृत बचन सुनिए कि कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ बने इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं कृपा के सजे हम हैं कृपा
कीर्तन किया है, बड़ा मजा आता है। ये गुलदस्ता जो वक्त वक्त तरह के फुलों का है, सतगुरु बख्शिश करे, उता माता की आशीष, निमघन मिश्रो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश, सतगुरु बख्शिश करे, घर बार पर सबनी खाई, संत सहाई जय हो जाई, दो कर जोर करी अरदास, सदा जपे नानक गुणकाश। आज वो माया तुम देते हो, ये माया की लोड़ नहीं, क्योंकि मेरा अपना परिवार है, माया थोड़िया आशीषा से थोड़ा प्यार जो मिलता है वो मेरे वास्ते बहुत खजाना है, वो खजाना मुक है, कदे नहीं मुक। मैं सारे मेजर जितन नरूला साहब, गुरदीत सिंह साहब अच्छे इतने ब्रिगेडियर के साथ जो आए हैं, सतगुरु बख्शिश करे, सारे दुगनी रात चौकनी तरक्की बख्शिश करे, अपने कम बिल्कुल होद्या सुचजी अगवाई जिमें योग है बनती है उस तरह के देते रहते, सारे दुख तरक्या करते रह, तरक्की मंजिल तक छोड़ के गुरु गोबिंद सिंह साहब का वचन सकार था हो कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं हो सो गरीब करोड़ परे, नहीं तो मेरे लगे करोड़ा फिरते ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ने, मैं खालसे का हूँ, खालसे को खालसा मेरो ओत ओत सागर बूंदे रो, मैं जिम्मे सागर दियाँ बूंदा ने वो सागर मिल के सागर बन जाती ने, इवे मैं जो मेरे नीचे जो ट्रुप्स ने वो मेरे लिए मैं उन्होंने सतगुरु बख्शिश करे, थोड़ा आपस प्रेम प्यार आप बनया रहे, तुसी चढ़दियां कला विच रहो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त करो। आप सारिआं नूं इस दिन दे मनाउण दीआं बहुत बहुत मुबारक, सतगुरु दीआं आशीषां तुहानूं प्राप्त होण, भुला चुका दी खिमा बख्शो, बोलदिआं होइआं कोई लफ्ज़ वध घट बोलिआ गया होवे तां अणजाण जां बच्चा हां जाणदा कुछ नहीं, जिवें सतगुरु बुलाते ने तिवें बोलता हाँ। कि मैं ये भी गल कह दिया कि कीर्तन विचार संगत करवाउंदियां, मैं नहीं करता, संगत साथ देवे, क्योंकि संगत ते वक्ता का जो हिरदा है वो एक सुर हो जाए तो वो तो साज दियाँ आवाज दियाँ उतरमा जड़िया शक्तियां ने वो आनंद आता, तो भुला चुका की खिमा बख्शिश करते हैं, फतेह का उत्तर फतेह दो, उस तो बाद आप आनंद साहब जी का पाठ करा, अरदास होगी, सतगुरु जी का पवित्र प्रमाण होगा, तो समाप्ति है जी। आओ सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टे, मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिख रत एक, राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरे माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया है, चंपर बार परिया शब्द गावे, शब्दों का गावो केरा मन जिनी बसाया, कहे नानक तो सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरे तू सदा रो I'm
वाहे गुरु
सच्चे पिता वाहे गुरु जी की कृपा, इस वेले संत
उहे ले जा रे उहे ले गाटे
सत गुना पाई मन रे बोले बोले सोनहार
सारे संतों और जो पहला एक दो बेनती भी है। अज बड़ा दुर्भाग्य समय क्योंकि जी श्री खंड पाक ने जो घर चालू 1995 शुरू सरदार सिंह सरदार बलदेव सिंह जी ने यह अपने आरंभ किया ही उन्होंने चलद अज लगातार कंटिन्यूस 25 साल हो गए हैं। यह सिविल जुबली समारोह है, सारे वीरों को बहुत बहुत बधाई। दूजा एक इस बारी नवी प्रथा चालू हुई है, मेरे सारे फौजी वीर ने बड़ा सहयोग ला के एक दिन गुरु का लंगर अटुट बताया। वो सारे फौजी वीर इन प्रथा के बहुत बहुत धनबाद के पात्र ने, बधाई के पात्र ने। बड़ी खुशी हुई है कि एक नवी प्रथा हो शुरू हुई है, पूरे गुरु का लंगर 3 दिन तक चलिया, दिन रात सारी संत ने बड़ा वधिया प्रदान किया, बड़ी मेहनत की। धनबाद धन सेवा करके अपना जीवन सफल किया। दूजा एक मेरी भैन जी इंदिरा शर्मा जी, इन्होंने बहुत धनबाद धन बड़े जोश बना के मेरी सेवा की है, बहुत बड़ा धनबादी हाँ। और इस कहते कि मारे बल बच्चे इन्होंने हर चीज प्रमोह गए कि मैं हर समान देवगी। बहुत बहुत कुछ कुछ धन्यवाद। हूँ गुरु महाराज जी को पाई जा रही है कि हम महाराज गुरु महाराज जी अपने निजी स्थान से पहले आने जी, वो सारी सारी बेनती आ जो गुरु महाराज चलन सारे उठ के प्रणाम के बैंड बाजा इंतजाम चैनल हो जाए। वैरी खालसा वैरी फतेह। सत श्री अकाल।
ਹੈ।